नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 12 जून के सुबह 11 बजे से या दोस्तों यह समय से आपके जून काल में दो शुभ परिस्थिति का निर्माण होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में शनिवार का दिन होगा, अर्थात भगवान शनिदेव का परम दिनों में से एक दिन रहने वाले हैं। और दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में भगवान शनिदेव हमेशा अपने भक्तों के जीवन काल में यह शनिवार के दिन कई बड़े चमत्कार करते हैं। जी दोस्तों, और आपको बता दें कि यह समय भी आपके जीवन काल में कुछ ऐसे ही बड़े चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी और कुछ ऐसे ही अलग अलग परिवर्तन आपके जीवन काल में आपको देखने को मिलेंगे, जिनसे दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि यह शनिवार का दिन आप सभी के जीवन में कई प्रकार की खुशियां लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, समय और ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों अब आपका दायित्व होता है इनका सही से सदुपयोग करने का। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन चित्रों को लेकर सावधानी रहोगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन चित्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव का नारा लगाएगा, गुरु जी का भगवान शनिदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों में सुखद समय व्यतीत होगा। घर में नैतिक संबंधियों के आगमन से मनोरंजन और खुशनुमा वातावरण भी बना रहेगा। दोस्तों अगर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो दोस्तों उस पर गंभीरता से अवश्य कार्य करें, समय अनुकूल होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने ऊपर आलस की भावनाओं को हावी न होने दें तथा अत्यधिक सोच विचार करने में भी समय न लगाएं, इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि पर पड़ सकता है। तो दोस्तों इस बात का यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में अपनी योजनाएं और फिर गतिविधियों की जानकारी किसी को भी ना दें, ये आपके यश में के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में दिन की शुरुआत से ही आपको सकारात्मकता नजर आएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों में आपको सफलता भी यश में प्राप्त होने वाली है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के लिए आपके जो समय होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण समय होंगे। काम के प्रति आपका यश में उत्साह भी बढ़ने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें अपने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति या फिर विशेषज्ञ का साथ सलाह मशवरा अवश्य करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको यश में उचित सलाह भी मिलने वाली है। दोस्तों यश में ग्रह स्थितियां आपके लिए जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन भी ला रही है, परंतु समय का सदुपयोग करना आपका कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस बात पर यश में आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों व फिर संबंधियों को नज़रअंदाज ना करें। कभी कभी आपकी ईगो व फिर गुस्सा आपके बनते कार्यों में परेशानी भी उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों यश में इन बातों का ध्यान रखें। संतान की संगति व फिर गतिविधियों पर यश में नज़र रखना आपके लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी यश में लापरवाह ना रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे मेहनत तथा आत्मविश्वास के बलबूते काम को कर पाएंगे और उनमें अच्छी सफलता को भी आप यश में अर्जित कर पाएंगे, ये आपके लिए संभव होगा। दोस्तों परिवार की तकलीफों से दूर होने की कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों जो बातें आप खुद सुलझा नहीं सकते हैं, ऐसी बातों से आपको यश में दूर ही रहना आपके लिए ठीक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रहने वाले हैं, परंतु आप अपनी प्रतिभा और फिर कार्य क्षमता द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में भी समर्थ रहेंगे। दोस्तों स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा सा स्वार्थीपन भी आपको लाना जरूरी होगा। पठन पाठन तथा लेखन में भी आपका जो मन है बहुत ही अच्छा लगेगा। मन मुताबिक आपका समय इसमें व्यतीत होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में बजट पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत भी होगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है।
दोस्तों कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपको स्फूर्ति की प्राप्ति होगी तथा रुचिपूर्ण कार्यों में भी कुछ समय आप यश में अवश्य व्यतीत करें। इनसे दोस्तों आपके अंदर जो है सकारात्मकता आएगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यह समय दिन की शुरुआत में कुछ बातें के प्रति कन्फ्यूजन बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे आपको क्लैरिटी भी नजर आने लगेंगी। दोस्तों यह समय महत्वपूर्ण काम भी शुरू हो सकते हैं और दोस्तों ये जो समय है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। दोस्तों उनका अमल करने की आप कोशिश करें और ये कोशिश आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। मित्र द्वारा मिल रही सहायता आपके लिए अत्यंत उपयुक्त होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके सफलता का कोई भी द्वार यश में खुलने वाला है। दोस्तों पिछले काफ़ी समय से जो चिंता आपके अंदर चल रही थी, आपके मन में चल रही थी, दोस्तों वह चिंता यश में दूर होंगी। लाभ प्राप्ति के साथ साथ उत्साह व फिर ऊर्जा भी यश में आपका बढ़ेगा। ऊर्जा का यश में आपके अंदर संचार होगा। किसी दीर्घकालिक योजना पर भी काम शुरू हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके अपने नज़दीकी लोग ही आपके लिए रुकावटें व फिर अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए, इन बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में यश में आप ना आए। काम काज व फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना यश में आपके लिए चुनौती होगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देना अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए ये समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि भावनात्मक संतुलन न बने रहने की वजह से किसी भी बात पर ध्यान दे पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी होगा। परिवार के लोगों के प्रति बढ़ता रोष आपके लिए नुकसानदायक होगा। दोस्तों आपके अंदर बढ़ रही बदले की भावना आपका बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए दोस्तों दूसरों को माफ करके आगे बढ़ना यश में आपको सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में कोई बड़ी डील या फिर ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं, परंतु राज की शिवारत लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें। किसी प्रकार की मानहानि अथवा आशंका बन रही है। नौकरी में कोई भी महत्वपूर्ण कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है जो कि आपके लिए तरक्कीदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय है आपके लिए व्यापार से संबंधित निर्णय कुछ हद तक गलत भी हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में इनका भी आप ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु अपने पार्टनर अथवा कर्मचारियों की गतिविधियों और क्रियाकलापों पर आप ध्यान रखें। इन्हें नज़रअंदाज यश में बिल्कुल ना करें। काम काज को लेकर की गई आपकी जो यात्रा है यश में लाभदायक रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों यश में लॉ क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं, काम को आप ध्यानपूर्वक करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता भी यश में मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में काम को आलस की वजह से आप टालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि समय में ही उन्हें पूर्ण करने का आप प्रयास करें। दोस्तों अपने महत्वपूर्ण पेपर अथवा फाइलों को यश में आदि सुव्यवस्थित व फिर कंप्लीट रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार की कार्रवाई होने की आशंका भी लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें व्यावसायिक गतिविधियों में अपना ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है उपलब्धियों वाला समय होगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ऑफिस में भी उच्च अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना आपके लिए बेहतर होगा, इसे दोस्तों आपको कोई अथॉरिटी भी यश में मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि करियर से संबंधित नए अवसर भी आपको यश में आसानी से प्राप्त होंगे, बशर्ते दोस्तों थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को यश में नज़रअंदाज करना आपके लिए बेहतर होगा, आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होगा। दोस्तों विपरीत लिंगी लोगों से मिलते जुलते समय मर्यादाओं का भी ध्यान रखें, ये आपके लिए और आपके घर परिवार के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय है आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण तो सुखद बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को भी ताजे करने वाले हैं तथा मन भी यश में आपका प्रफुल्लित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, पार्टनर का साथ मिलने की वजह से आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो आसान होगा। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपना समय को इसमें नष्ट ना करें, दोस्तों ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए,
आपका उदारवादी दृष्टिकोण घर परिवार को बेहतर बनाकर रखेगा, घर परिवार में बेहतर समाज बनाकर रखेगा तथा पारिवारिक सुख शांति भी उत्तम बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपकी अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों ये समय अत्यधिक भागदौड़ अथवा मेहनत का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से थकान और कमजोरी आपके ऊपर हावी रहेगी। आपको बता दें यश में जिनको भी डायरिया या फिर अपच की तकलीफ है वो अपना उचित इलाज लें, अपने स्वास्थ्य का वो अवश्य ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको बता दें कि दोस्तों यश में घर के वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां रह सकती है, नियमित रूप से मेडिकल चेकअप अथवा इलाज अवश्य करवाएं। दोस्तों ये उनके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आप साधने को रखेंगे तो स्वास्थ्य उत्तम होगा, अपनी व्यवस्थित दिनचर्या तथा आपको अपने आप को किसी प्रकृति के निकट भी रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ व फिर ऊर्जावान बनाकर रखेगी। कुछ समय आप जो है प्रकृति के निकट भी अवश्य व्यतीत करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे।